Next, they go true false. Right, T for true, F for false. We get most of our food from plants. True. तो इसके आप आगे आपने टी लिख देना, ठीक है? All the milk products are obtained from plants. Milk products प्लांट से मिलते हैं, ये भी ट्रू है. सिनेमन इज ए बीवरेज, ये फॉल्स है. बीवरेज तो टी और कॉफी होती है, सिनेमन थोड़े होते, दालचीनी थोड़े होती है. ऑलिव ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, ऑलिव ऑयल प्लांट से मिलता है, ये ट्रू है. लौंग जो है वो प्लांट से मिलता है. वी गेट एग्स फ्रॉम हैंज एंड डक्स, है एग्स जो है हैंज और डक्स से मिलते हैं, ये भी ट्रू है. प्रोटेक्टिव फूड प्रोटेक्ट्स अवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस, ये भी ट्रू है. प्रोटेक्टिव फूड जो है वो बॉडी को डिजीजेस से बचाता है. तो ऐसे आपने ट्रू और फॉल्स लिखने, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं. देखो, व्हाई डू वी नीड फूड, वी नीड फूड टू, वी नीड फूड बिकॉज फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. वी नीड फूड बिकॉज फूड गिव्स अस एनर्जी, आप ऐसे लिख सकते हो. ये देखो, वी नीड फूड फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, ठीक है? तो ऐसे आप लिख सकते हो. फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द टू मेन सोर्सेज ऑफ फूड. The two main sources of food are number one plant, number two animals. ठीक है. Number three, what are food grains? Names of food grains. आपने लिख देना है cereals and pulses are food grains. मैं यहां पर लिखता हूं cereals and pulses are food grains. ठीक है. एक तो ये हो गया what are food grains. ठीक है. Name some फूड ग्रेन्स, वीट, राइस, सोया, बाजरा आर सीरियल्स एंड, ये बोले तो सीरियल्स हो गए ना. और पल्सिस कौन कौन सी हैं? पल्सिस इंक्लूड दाल्स, हाँ? और क्या होते हैं? बीन्स और ग्राम एटसेट्रा, ठीक है? तो इस तरीके से आपने लिख देना है. पल्सिस इंक्लूड दाल्स, बीन्स, ग्राम एटसेट्रा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ऐसे देखकर आपने लिख लेने. व्हाट आर बीवरेजेस, वेयर डू वी गेट देम फ्रॉम. बीवरेजेस क्या हैं? तो आपने लिख देना है टी एंड कॉफी आर बीवरेजेस. फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया. वी गेट देम फ्रॉम प्लांट्स, बस लग गया इस बात का. टी एंड कॉफी आर बीवरेजेस, वी गेट देम फ्रॉम प्लांट्स. नेम सम ऑयल्स विच वी गेट फ्रॉम सीड्स ऑफ फ्रूट्स. कौन सी ऑयल्स हैं जो हमें फ्रूट्स के सीड्स से मिलते हैं? आपने लिख देना है सोया ऑयल. यहां पे मैं छोटे छोटे लिख देता हूं. यहां पे सोया ऑयल, सनफ्लावर, ठीक है जी, सनफ्लावर ऑयल, पीनट ऑयल. तो ऑयल्स के नाम बताने हैं ना. बटर ऑयल, नेम सम ऑयल्स विच वी गेट फ्रॉम सीड्स ऑफ फ्रूट्स. पीनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये लिख सकते हो आप. ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल एटसेट्रा, ठीक है?
ऐसे आपने लिख देना। लगे पता? व्हाट डू ऑल द फूड आइटम्स वी गेट फ्रॉम एनिमल्स? सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू ऑल द फूड आइटम्स वी गेट फ्रॉम एनिमल्स? एनिमल्स से आपको वी गेट, आपने लिख देना, वी गेट मीट एंड मिल्क फ्रॉम एनिमल्स। वी गेट मीट एंड मिल्क फ्रॉम एनिमल्स। लगे पता इस बात का? तो उसके बाद है, व्हाट आर फूड ग्रुप्स, नेम देम। तो आपने लिख देना है, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ फूड ग्रुप्स। ये देखो मैंने यहां पे बताया था आपको, यहां पे फूड्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। नंबर वन एनर्जी गिविंग फूड, नंबर टू बॉडी बिल्डिंग फूड, नंबर थ्री प्रोटेक्टिव फूड। एनर्जी गिविंग फूड, ठीक है, नंबर वन पे ये आ जाना है, नंबर टू बॉडी बिल्डिंग फूड, और नंबर थ्री प्रोटेक्टिव फूड। लगे बता? ऐसे आपने लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, डिफाइन द फॉलोइंग। नॉन वेजिटेरियन पीपल, नॉन वेजिटेरियन पीपल जो लोग एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं नॉन वेजिटेरियन पीपल। ये यहां से लिख लेना आप, ये है, ये लिखना है, सम पीपल ईट एग्स मीट एंड फिश। सम पीपल ईट एग्स मीट एंड फिश फुल स्टॉप, दे आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन पीपल। ठीक है, सम पीपल ईट मीट एग्स एंड फिश, दे आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन पीपल। ठीक है, उसके बाद एडिबल ऑयल्स। एडिबल ऑयल्स हमने यहां पे आपको बताया था, ये देखो, एडिबल ऑयल्स आर यूज्ड, यहां से, एडिबल ऑयल्स आर यूज्ड टू कुक फूड एट अवर होम्स। ठीक है, फुल स्टॉप। दीज आर सोया ऑयल्स, सनफ्लावर ऑयल्स, पीनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल एट्सेट्रा। इस तरीके से आपने लिखना है, ठीक है। एडिबल ऑयल्स आर यूज टू कुक फूड एट अवर होम्स, फुल स्टॉप। दीज आर सोया ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, पीनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल एट्सेट्रा। लगे बताओ? ऐसे आपने एडिबल ऑयल का लिख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट है बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड जो है वो यहां से आपने लिख देना है, ये है, तो ये लिख दो, आर बॉडी आल्सो नीड फूड फॉर ग्रोथ। ठीक है, दीज फूड्स कंटेन प्रोटीन्स विच हेल्प आर बॉडी टू ग्रो। दीज फूड्स कंटेन प्रोटीन विच हेल्प आर बॉडी टू ग्रो। दीज आर, फुल स्टॉप, दीज आर एग्स मिल्क मीट फिश चीज एट्सेट्रा। बस, आर बॉडी आल्सो नीड फूड फॉर ग्रोथ। ठीक है, दीज फूड्स कंटेन प्रोटीन विच हेल्प अवर बॉडी टू ग्रो, फुल स्टॉप। दीज आर एग्स फिश मीट फिश चीज एट्सेट्रा। तो ऐसे आपने लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड यहां पे आया हुआ था, ये है, आर बॉडी नीड्स सम फूड आइटम विच प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट डिजीजेस। दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड, लाइक विटामिन्स, मिनरल्स एट्सेट्रा। बस इतना लिखना है आपने। ओके,